आना, यानी कि हम उर्दू के जो प्रत्यय है वो कर रहे हैं, हमारा जो प्रत्यय का पाठ था उसी में कुछ उर्दू शब्द भी आते हैं, उन शब्दांशों को हम प्रत्यय के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे शब्द है आना, ठीक है, जैसे ऐसे जो हमारे शब्द बनेंगे, जैसे साल से सालाना और रोज से रोजाना, ठीक है, तो हम इनके डायरेक्ट इनके शब्द कर लेते हैं। क्या क्या है, जैसे नाक हमारा प्रत्यय है, जैसे खतरनाक शर्मनाक, इस प्रकार इन शब्दों को हम बनाएंगे। जैसे अगला है हमारा मंद, जैसे अकलमंद या जरूरतमंद, ठीक है। उसके बाद है शब्द दार, दार से क्या, जैसे जमींदार या हिस्सेदार। उसके बाद है जैसे ईयत, जैसे इंसानियत हैवानियत। आगे हमारा जो वर्ड है वो है दानी, जैसे चूहे दानी या मच्छर दानी, ठीक है। इस प्रकार हम उर्दू शब्दों को बनाएंगे। जैसे दान, जैसे कूड़ेदान, रोशनदान। उसके बाद है पोष, जैसे मेजपोष या तत्पोष। उसके बाद है हमारा शब्द खोर, जैसे रिश्वतखोर, हरामखोर, ठीक है। आगे है गर, गर प्रत्यय से लगाने से जैसे जादूगर, ठीक है। या आगे है साज, जैसे जालसाज। इन शब्दों को हम बनाएंगे, ये उर्दू के हमारे प्रत्यय थे। उसके बाद कुछ प्रत्यय ऐसे हैं दो प्रत्ययों का एक साथ ही प्रयोग हो जाता है। कैसे होता है हम देख लेते हैं। हमारे पास एक जो शब्द है वो है दया, ठीक है। दया से जब हम इसके पीछे आलू प्लस ता, दो प्रत्यय हैं, अलग अलग है, ये आलू अलग प्रत्यय है और ता अलग प्रत्यय है, लेकिन हम जब इनको इकट्ठा जोड़ेंगे तो एक नया शब्द बन जाता है, दया जमा आलू जमा ता शब्द बन गया हमारा दयालुता। क्लियर है। आगे है जैसे राष्ट्र हमारा शब्द है, एक राष्ट्र के अंदर अगर हमने ई प्रत्यय और ता प्रत्यय इन दोनों को जोड़ देते हैं, अलग अलग प्रत्यय हैं दोनों, तो हमारा जो शब्द बन के आएगा नया, क्या होगा वो, राष्ट्रीयता। क्लियर। ऐसे कुछ शब्द है जैसे लोक इक और ता, दो प्रत्यय लगाने से क्या बन गया, लौकिकता। बन आवट जमा ई, दो प्रत्यय लगा दिए इनके पीछे तो क्या बन गया, बनावटी, ठीक है। उसके बाद जैसे अक्ल शब्द है, अक्ल के पीछे मंद जमा ई, दो प्रत्यय लगा दिए तो क्या बन गया, अक्लमंदी। आगे है भूत के पीछे इक और ता, भौतिकता। और अंत में हमारा रंग के पीछे ईन और ई, तो क्या बन गया, रंगीनी, ठीक है। इस प्रकार ये हमारे उर्दू के और दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग होता है, ठीक है। इसके बाद कुछ शब्द प्रत्ययों के अंदर ऐसे होते हैं जिनके अंदर उपसर्ग भी लगते हैं और प्रत्यय भी लगते हैं, यानी कि उनके ऐसे शब्दों के आगे कुछ, आगे हम उपसर्ग लगाएंगे और पीछे प्रत्यय लगाएंगे और बीच में वो शब्द होगा, उससे फिर हमारा एक नया शब्द निकल कर आता है, वो भी हम देख लेते हैं। इसके बाद है एक ही शब्द में उपसर्ग एवं प्रत्यय, हम कर रहे थे। और जैसे हम शब्द ले लेते हैं, हमारे पास शब्द है सफलता। क्या है, सफलता के अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर स और ता, ये दो स उपसर्ग है और ता है हमारा प्रत्यय। जो इसका मूल शब्द है वो है फल, फल के आगे क्या लगा है, उपसर्ग स, और पीछे क्या लगा है, प्रत्यय ता, तो क्या बन गया, सफलता, सफलता। क्लियर है ये। उसी प्रकार जो हमारा आगे है क्या है, सम एक उपसर्ग है पता है हमें, और ता सॉरी जनक एक प्रत्यय है, सम और जनक, और बीच में जो हमारा मूल शब्द है वो है मान, सम मान जनक, क्या बन गया, सम्मानजनक। आगे है प्री श्रम और ई, प्री जो हमारा उपसर्ग है, श्रम हमारा मूल शब्द है और ई हमारा प्रत्यय है, और इन तीनों से मिलकर बन गया प्री श्रम ई, प्री शर्मी। सु गंध इत, सु हमारा उपसर्ग है,
गंध हमारा मूल शब्द है और इत क्या है हमारा प्रत्यय और इसी शब्द क्या बन गया सुगंधित क्या बन गया सुगंधित आगे नेक्स्ट है हमारा पर तंत्र और ता पर क्या है हमारा उपसर्ग ता क्या है हमारा प्रत्यय और मूल शब्द है तंत्र पर तंत्रता पर तंत्रता हमारा एक शब्द बन जाता है उसके बाद अंतिम है हमारा वी ज्ञान इक वी क्या है उपसर्ग ज्ञान मूल शब्द और इक क्या है प्रत्यय वी ज्ञानिक यानी के शब्द क्या बन गया हमारा वैज्ञानिक तो इस प्रकार हमारा जो प्रत्यय है वो खत्म हो जाता है इसी के साथ हमारा ये अंतिम पार्ट था तो हमने उपसर्ग और प्रत्यय ठीक है ये हमने अलग-अलग पार्ट में आज पूरा कर दिया है उसके बाद हम आपको अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नया टॉपिक होगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप जो वीडियो को लाइक कर रहे हैं उसका हम बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं तो अगले वीडियो के लिए मिलते हैं जल्दी बाय-बाय